हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर कैडर सब्जेक्ट इंग्लिश। आर टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक पार्ट। द टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी। इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रेपरेशन विद आरजे। आल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ एनी काइंड ऑफ डाउट और सजेशन देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टूडे इज़ द पार्ट वन ऑफ मॉर्फोलॉजी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी। हाँ जी, जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्ड्स मॉर्फ प्लस लॉजी तो मिलके बने हैं। मॉर्फ इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एंड लॉजी इज इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। हाँ जी, ग्रीक दे विच मॉर्फ द मीनिंग है फॉर्म। मॉर्फ मीनिंग इज फॉर्म, रूप। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। हाँ जी, इट मीन्स मॉर्फोलॉजी द मीनिंग है स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स। हाँ जी, वर्ड्स किमें बनते हैं उसकी स्टडी की कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉर्फ, मॉर्फ दी साइंटिफिक स्टडी और मॉर्फिम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। हाँ जी, मॉर्फिम, मॉर्फिम की होंगे अ स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव यूनिट ऑफ ग्रामर। मॉर्फिम की होंगे एक स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव डिफरेंट यूनिट ऑफ ग्रामर होंगी आ, जिसनों आप मॉर्फिम कहने हैं। एज एन एग्जाम्पल बुक। हाँ जी, मॉर्फिम की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक आप दे विच उसका एक मीनिंग होंगे, स्टैंड अलोन कर दिया अपने आप च। एग्जाम्पल है बुक। अ मॉर्फिम ऑलवेज हैज़ मीनिंग। मॉर्फिम का हमेशा एक मीनिंग होंगे, लाइक बुक, बुक का मीनिंग है। मोर एग्जाम्पल पेन एक मॉर्फिम है, इसका अपना मीनिंग है चेयर टेबल एक्सेट्रा। हाँ जी, रूट वर्ड इज कॉल्ड लेक्सिकल। हाँ जी, जो रूट वर्ड्स ने, हाँ जी रूट वर्ड्स की होंगे ने मॉर्फिम इज आल्सो कॉल्ड रूट वर्ड्स, लाइक बुक, पेन, पेंसिल, चेयर एक्सेट्रा रूट वर्ड्स। हाँ जी, रूट वर्ड्स नू लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जाता है। हाँ जी, इफ वी एड सफिक्स और परफिक्स इन दीज रूट वर्ड्स। हाँ जी, जे आप इन्हों रूट वर्ड्स अगेत्र और पिछेत्र लगा दिए तो यह की बन जाता है स्टैम। हाँ जी, जे आप रूट वर्ड दे अगेत्र और पिछेत्र लगा दिए, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर दिए तो यह की बन जाता है स्टैम। हाँ जी, टू टाइप्स ऑफ मॉर्फिम। मॉर्फिम दे टू टाइप्स ने गे, फ्री और बाउंड। हाँ जी, टू टाइप्स ऑफ मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। Let's discuss free morpheme. Free morpheme which can come all alone. ओ मॉर्फिम, ओ फॉर्म जो अपने आप दे विच अकले स्टैंड कर दिया and complete in themselves, जिसका अपने आप दे विच एक मीनिंग होंदा है, उसनों की कहने हैं free morpheme. हाँ जी, ये opposite होंदी है bound morpheme दी। It can't divided into smaller meaningful unit. हाँ जी, जो free morpheme होंदे ने उसनों आपां फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसनों फर्दर डिवाइड करांगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लाइक टेबल, टेबल नूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, चेयर नूं, बुक नूं एक्सेट्रा। हाँ जी, इस तो इलावा जो फ्री मॉर्फिम है इसनों आपां बाउंड मॉर्फिम भी कह सकते हैं, अनबाउंड, सॉरी, फ्री मॉर्फिम नूं अनबाउंड मॉर्फिम भी कहा जाता है। अदर नेम ऑफ फ्री मॉर्फिम इज अनबाउंड मॉर्फिम एंड आल्सो कॉल्ड फ्री स्टैंडिंग मॉर्फिम, फ्री स्टैंडिंग मॉर्फिम। हाँ जी, कोई भी नाम दे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक अनबाउंड मॉर्फिम की होंगे ने, फ्री मॉर्फिम की होंगे ने और फ्री स्टैंडिंग मॉर्फिम की होंगे ने। हाँ जी, ओ मॉर्फिम जो अपने आप दे विच कंप्लीट मीनिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल्स तुहानू पता ही चल गया, फ्री मॉर्फिम आर टू टाइप्स। हाँ जी, फ्री मॉर्फिम नू भी अगे डिवाइड किया गया टू टाइप्स दे विच, लैगजिकल और ग्रामैटिकल। हाँ जी, टू टाइप्स ने लैगजिकल और ग्रामैटिकल। लैगजिकल नूं आपां कॉन्टेंट वर्ड भी कह सकते हैं, कॉन्टेंट वर्ड्स, एंड ग्रामैटिकल नूं फंक्शनल वर्ड्स। हाँ जी, इन्हां दा भी अदर नेम हो गए, लैगजिकल नूं कॉन्टेंट वर्ड्स और ग्रामैटिकल नूं फंक्शनल वर्ड्स। हाँ जी, लैगजिकल पिक्चर्स और कॉन्टेंट वर्ड्स, वो कंटेंट वर्ड्स और पिक्चर्स, लाइक दे आर नाउन, ये की आ सकता है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब।
ये सारे लैक्सिकल वर्ड ने और कंटेंट वर्ड्स ने। सम मोर एग्जाम्पल लाइक, हाँ जी, अपन नाउन दी एग्जाम्पल्स देने हैंगे। नाउन दी एग्जाम्पल लाइक, हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ नाउन, नाउन दिया कुछ एग्जाम्पल्स ने, लाइक किसी का नाम, जॉन, अमन, रमन, रूम, ये सारे की ने लैक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स ने नाउन फॉर्म दे विच, एडजेक्टिव फॉर्म दे विच लाइक गुड एंड बैड, हाँ जी, वर्ब दे विच लाइक प्ले, कुक एक्सेट्रा, और एडवर्ब दे विच लाइक आप यूज़ कर सकते हैं वेरी, स्मॉल, ऑल्सो एक्सेट्रा। हाँ जी, नेक्स्ट ग्रामेटिकल, हाँ जी, ग्रामेटिकल का अदर नेम किया फंक्शनल वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स, ग्रामर वर्ड्स, हाँ जी, जिस दे विच ग्रामर वर्ड्स यूज़ करते हैं आप उसको ग्रामेटिकल वर्ड्स कहा जाता है। लिमिटेड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज दे विच लिमिटेड ने, डोंट चेंज फ्रीकुएंटली, ये चेंज नहीं किए जा सकते, लाइक इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, पर्सनल प्रोनाउंस, ये टोटल किन्ने होंगे ने ग्रामेटिकल वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स, टोटल 45। हाँ जी, पेपर दे विच क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फ्री मॉर्फिम दे अगे किन्ने टाइप्स ने, टू टाइप्स ने, लैक्सिकल और ग्रामेटिकल, लैक्सिकल का अदर नेम किया कॉन्टेंट वर्ड्स है, ग्रामेटिकल का अदर वर्ड किया फंक्शनल वर्ड्स ने, लैक्सिकल दे विच की किया जाता नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ग्रामेटिकल दे विच आ जाते हैं सारे ग्रामेटिकल रूल्स हो गए लाइक आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस एक्सेट्रा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामेटिकल वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स ने जो किन्ने होंगे ने गे 45 होंगे ने। हाँ जी, ये आप एग्जाम्पल्स ले लें लाइक टू दैट एंड सम एक्सेट्रा। हाँ जी, नाउ मूव टू सेकेंड बाउंड मॉर्फिम। हाँ जी, बाउंड मॉर्फिम विच आर नॉट कंप्लीट इन दैमसेल्फ। हाँ जी, आपने फ्री मॉर्फिम किया सीगा, फ्री मॉर्फिम से जो अपने आप दे विच जिसका मीनिंग कंप्लीट मीनिंग होंदा है, अपने आप च स्टैंड अलोन करता है। हाँ जी, बाउंड मॉर्फिम है जो इसके ओपोजिट है, विच आर नॉट कंप्लीट इन दैमसेल्फ, जो अपने आप दे विच कंप्लीट नहीं हैगा, एंड डिपेंड अपॉन फ्री मॉर्फिम। हाँ जी, जो फ्री मॉर्फिम के उपर डिपेंड है फॉर देयर मीनिंग, आपके मीनिंग दे लई लाइक IST, एग्जाम्पल्स ने IST, ED, ER, RES, एक्सेट्रा। हाँ जी, ये सारे की ने गे फ्री मॉर्फिम ने। हाँ जी, मैं थोड़ा इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दस दिनी हाँ। हाँ जी, लाइक IST की एग्जाम्पल है टूरिस्ट। हाँ जी, इतनी टूर है जो फ्री मॉर्फिम है और IST की है बाउंड मॉर्फिम है। हाँ जी, तुम खुद देख रहे हो जो फ्री मॉर्फिम है टूर इसका अपना मीनिंग है, और जो बाउंड मॉर्फिम है IST इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये मीनिंग कदों बनता है जदों ये फ्री मॉर्फिम दे नाल अटैच होंगे लाइक टूर, फ्री मॉर्फिम दे नाल अपने IST अटैच करता टूरिस्ट इसका एक मीनिंग बन गया। मोर एग्जाम्पल लाइक ED लई, हाँ जी, प्ले एक फ्री मॉर्फिम है, उस दे नाल अपने ऐड करता बाउंड मॉर्फिम ED की बन गया प्लेड। हाँ जी, हूँ इसका एक मीनिंग बन गया। और लाइक ER, हाँ जी, टीच इज फ्री मॉर्फिम, इसका अपना मीनिंग है, और ER इज बाउंड मॉर्फिम। हाँ जी, जो अपने इसमें ये ऐड करता था कि बन गया टीचर, इसका एक मीनिंग बन गया। लाइक S, बुक एक मीनिंगफुल फ्री मॉर्फिम है। हाँ जी, S एक बाउंड मॉर्फिम है, इस नाल अटैच करता था इस की बन गया बुक्स। हाँ जी, इस तो इलावा RE की एग्जाम्पल दें, प्ले दे फ्रंट ते अपने प्रीफिक्स RE, रीप्ले ऐड करता था इसका एक मीनिंग बन गया, प्ले इज फ्री मॉर्फिम एंड RE इज अ बाउंड मॉर्फिम। हाँ जी, सम मोर एग्जाम्पल लाइक एबल इज फ्री मॉर्फिम एंड अन इज बाउंड मॉर्फिम। हाँ जी, जो आप एबल दे फ्रंट ते अफिक्स प्रीफिक्स ऐड करता UN, अन बाउंड ऐड करता फ्री मॉर्फिम दे नाल एक वर्ड बन गया अनएबल। हाँ जी, एक बन गया मीनिंगफुल वर्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, IST, ED, ER, RES, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंड मॉर्फिम। इस मैं बाय मिसटेक फ्री मॉर्फिम दे एग्जाम्पल बोल गई सी, तो तुसी इस करैक्ट कर लो, ये सारिया बाउंड मॉर्फिम दे एग्जाम्पल्स ने। आई थिंक तुहानू इत्थे तक समझ आ गया होगा, आपां नैक्सट पार्ट है जो इसका नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। इफ यू लाइक
एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू.